टू द पाकिस्तानी ब्रोस रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम अजात है। मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। काफी यार इस वीडियो की रिक्वेस्ट भी आई है कि इस पर रिएक्शन दिया जाए। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है, भारत इन हथियार को बनाएगा कैसे, दुनिया देख के हैरान, इंडिया मोस्ट पावरफुल वेपन्स। तो मेरे ख्याल में कोई हैरान है कि मतलब कोई बनाने वाला है, या तो कोई बनाने लगा है या तो बना रहा है या बना रहा है। तो मतलब ये कोई उसके बारे में वीडियो है, टेक्नोफीरिया की वीडियो। ओरिजिनल लिंक इनका आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना। तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। तो काउंट ऑन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि भारत ने 7 सितंबर 2020 को ओडिशा तट के पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मानव रहित स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक स्पीड व्हीकल यानी HSTDV का सफल परीक्षण किया था। रक्षा सूत्रों की माने तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली के विकास को आगे बढ़ाने के लिए ये परीक्षण एक बड़ा कदम था। लेकिन आपको बता दें कि भारत सिर्फ इसी एक यान HSTDV पर काम नहीं कर रहा है, बल्कि भारत के पास आधे दर्जन से ज्यादा हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब जिनके सफल परीक्षण के बाद दुनिया तो हैरान हो ही जाएगी, साथ ही दर्जन देश भारत में नजर उठाने से भी डरेंगे। आइए जानते हैं भारत के इन बेहतरीन हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट और यानों के बारे में। HSTDV स्क्रैमजेट इंजन व्हीकल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने 7 सितंबर 2020 को मानव रहित स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण किया था, जिसे HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल कहते हैं। हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए HSTDV एक मानव रहित स्क्रैमजेट विमान है जो 6126 से 12251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। भारत के HSTDV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। हालांकि अभी इसकी गति करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन भविष्य में इसकी गति को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस यान से साथ ही दुश्मन पर पलक झपकते ही बम गिराए जा सकते हैं, या बम के रूप में दुश्मन पर गिराया जा सकता है। RLVTD रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन प्रोग्राम के तहत 23 मार्च 2016 को एक यान लॉन्च किया जिसका नाम RLVTD रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन था। यह परीक्षण 770 सेकंड तक चला था। इस दौरान ये यान 65 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था और करीब 450 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इसके विकास में 10 से 15 साल लगेंगे। ये नासा के स्पेस शटल जैसा दिखता है। भविष्य में इससे भारतीय एस्ट्रोनॉट्स धरती के बाहर अंतरिक्ष में यात्रा कर सकेंगे। ये 6 मैक यानी 7408 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सकता है। इंडिया के लिए खास है। DRDO भारत के लिए एक रोबोटिक सिंगल यूज रियूजेबल स्पेस प्लेन बनाने की तैयारी में है। इसका नाम है एरोबिक व्हीकल फॉर ट्रांसएटमॉस्फेरिक हाइपरसोनिक एरोस्पेस ट्रांसपोर्टेशन यानी अवतार। ये सिंगल यूज करने वाला धरती के बाहर अंतरिक्ष के लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। इसका वजन 25 टन होगा। एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल को इसरो बनाकर एक बार सफल परीक्षण कर चुका है। इसका डिजाइन रोहिणी 560 रॉकेट के जैसा था। ये 30 फीट लंबा फीट चौड़ा है। इसका वजन 3000 किलोग्राम है। इसका दो सफल परीक्षण 2016 में किया गया था। इससे पहले साल 2010 में भी इसका एक सफल परीक्षण किया गया था। ये रॉकेट भी 6 मैक यानी 7408 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सकता है। बहुत तेज है। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 ये तो वर्ल्ड फेमस है। इनको ब्रह्मोस 1 ही का तोड़नी है तो तू कितना पावरफुल है। परीक्षण 7 सितंबर 2020 को। अभी पहली चीज आई जो हमें थोड़ा आईडिया था कि हां ये है बन रही है। अधिकतम 1000 किलोमीटर होगी लेकिन इसकी गति बहुत ज्यादा होगी। ये मैक 7 यानी 8575 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करेगा। 8000 जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए गए रेडी नहीं है दुनिया का फास्टेस्ट और ये एक और ऐसा माना जा रहा है कि ये रिकॉर्ड ये लगता हमने बाजी रखना चाहते हैं बनकर तैयार हो जाएगी। शौर्य हाइपरसोनिक मिसाइल DRDO द्वारा बनाई गई शौर्य हाइपरसोनिक मिसाइल भी गति की सीमा को तोड़ने में सफल है। ये मिसाइल मैक 7.5 यानी 9187 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकती है। इसका वजन 6.2 टन है। ये 33 फीट लंबा और 2.4 फीट चौड़ा है। ये पारंपरिक हथियारों के साथ साथ परमाणु हथियारों को भी ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये भारतीय नौसेना के पास मौजूद मिसाइल के 15
15 सागरिका मिसाइल का अत्याधुनिक वर्जन है। इसके अब तक दो परीक्षण हो चुके हैं। पहला परीक्षण वर्ष 2008 में किया गया अच्छा। था और दूसरा परीक्षण 2011 में किया गया था। उसके बाद से इसे सेना में शामिल कर दिया अच्छा। गया HGV-202F। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि इसे ना तो DRDO बना रही है और ना ही कोई सरकारी संस्थान अच्छा। बल्कि इसे भारत की एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी HTNP इंडस्ट्रीज बना रही है। हाइपरसोनिक हथियार एक क्रूज मिसाइल की मैन्यूवरेबिलिटी क्षमताओं के साथ एक बैलिस्टिक मिसाइल की गति को शामिल करते हैं। हाइपरसोनिक हथियार उन हथियारों को कहा जाता है जो मैक 5 यानी 6174 किलोमीटर प्रति घंटा और पूरी उड़ान के दौरान मैन्यूवरेबल करने की क्षमता रखते हैं। काफी यार राज्य अमेरिका, रूस और चीन पहले से ही हाइपरसोनिक हथियारों की दौड़ में शामिल हैं। इसलिए भारत के लिए हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में एक और कदम उठाने का बिल्कुल सही बोला है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को विकसित करना है। व्हीकल बन गई थी ना याद है, हाइपरसोनिक लॉन्चर जो बना था, लॉन्चर सचिव बना था। भारत का पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन होगा। HTNP इंडस्ट्रीज सरकारी फ्यूचरिस्टिक सरकारी कॉरपोरेट संस्थाओं के सहयोग से इस हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन का विकास करेगी। ये ग्लाइड वाहन दुनिया की सबसे घातक मिसाइल होने वाली है, चाहे वो इसकी गति हो, रेंज हो या पेलोड ले जाने की क्षमता हो। किसी भी चीज में इसे कोई टक्कर देने वाला नहीं है। तो फिर काफी अमेरिका और रूस के मिसाइलों को भी पीछे छोड़ देगी। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल की गति तकरीबन 21 मैक यानी 25,930 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मतलब ये ध्वनि की रफ्तार से 21 गुना अधिक तेज उड़ान भरेगा और इसकी रेंज यानी मारक क्षमता करीबन 5000 किलोमीटर बताई जा रही है। यानी ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल होने वाली है। मतलब इसकी जद में पूरा चीन और आधा यूरोप। इस मिसाइल की खासियत ये है कि ये इतनी रेंज के साथ अपने टारगेट को बता सकती है। मान लीजिए कि हमने HGV-202F को दागा, ये अपने टारगेट के नजदीक पहुँच गया और हमें पता चला कि इस टारगेट से भी घातक हथियार हमारी ओर बढ़ रहा है, तो हम इसके टारगेट को बदल कर उस टारगेट को ध्वस्त कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इतनी अधिक गति यानी 21 मैक की गति से ये एक से बढ़कर एक डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए उन पर पॉइंट करेगा, जो इतनी अधिक गति में बहुत ही कठिन काम होता है। ये दुनिया की सबसे घातक मिसाइल होने वाली है, क्योंकि अभी तक का जो सबसे घातक मिसाइल है वो है रूस का एवन। रूस दावा करता है कि इसकी गति 27 मैक मिसाइल अपने परीक्षण सिर्फ 16 मैक की गति ही हासिल 16 मैक कम। अगर HTNP-202F 21 मैक की गति को हासिल कर लेती है तो ये दुनिया की सबसे घातक और तेज उड़ान भरने वाली मिसाइल बन जाएगी। प्राइवेट कंपनी इंडिया की मस्त बना रही है। प्रोजेक्ट में से कौन सा मिसाइल या अभी DRDO पे सीक्रेटली कितने मिसाइल ऐसे साथ। तो ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार काफी इंटरेस्टिंग ये वाला लास्ट वाला तो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, वो भी प्राइवेट कंपनी बना रही है। रूस वाली ने काफी शौक किया जिसका 27 उसने बोला, लेकिन उसकी 16 तक हिट किया उसको। मतलब यार 16 कम है, कम नहीं कम यार, 16 गुना वहां की आवाज की यार पता आंख झपकती पहुंच जाएगा। सही में सही बोला, आंख झपकती पहुंच जाएगा छोटा जो टारगेट होगा उस पर कोई शक नहीं। और यार मतलब यार बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी लास्ट वाली। तो यार अगर वो बन गई तो बिल्कुल, और मजे की बात एक प्राइवेट कंपनी बना रही है। मतलब इंडिया की प्राइवेट कंपनीज में भी इतना पोटेंशियल है कि इस तरह का काम। मुबशर अब तू खुद सोच, अगर मतलब के DRDO कितने काम कर रही होगी, अगर ये प्राइवेट होके इस तरह का ये प्रोजेक्ट बना रही है तो DRDO किस तरह के प्रोजेक्ट मतलब DRDO बना रही। इसमें देखना कितने आए हैं, ब्रह्मोस 2 भी बन रहा है जो वन मतलब ऑलरेडी फास्टेस्ट क्रूज में जाए ले, तो 2 कितना पावर। बिल्कुल, वो जो स्पेस में ले जाने के लिए रियूजेबल था वो यार पहले मैं वो समझा रियूजेबल जो मतलब न्यूक्लियर वाला था। नहीं 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 मैं समझा वो चीज, लेकिन अभी तूने जैसे को बोला ना स्पेस में जगह पे मैंने कहा ये क्या चक्कर है। स्पेस में भी बहुत ज्यादा इंडिया ध्यान दे रहा है यार, स्पेस में काफी कर रहा है क्योंकि आगे स्पेस दूर होगा यार जान मतलब। और यार काफी फ्यूचरिस्टिक चीजें आने लगी, ऐसे ऐसे मिसाइल बना रहे हैं 7000 किलोमीटर पर घंटा। फर्स्ट वाली की शेप काफी मस्त है, बहुत घातक यार। इसका मतलब लाग भी छोटा सा रहता है और रशिया मतलब ऑलरेडी उसके पास सबसे फास्टेस्ट है। मतलब ये भी काफी शॉकिंग बात, लेकिन अब इंडिया के पास हो जाएगा बिल्कुल। सो गाइस आप इसके बारे में क्या कहते हैं अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं अपना, बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखते यार, बाय।